देखिए तो मुझे टारगेट कोई लेटर आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन है, मैंने कहा मेरी नजर में नहीं आई है, मुझे लगा सर इसमें जानकार है इस विषय के तो सब। देखिए अब ध्यान से सुनिए, ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर में भी आपको मिलेगा और आज मैं क्लारीफाई कर देता हूँ। ये कन्फ्यूजन हाई कोर्ट तक है, डोंट वरी अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट जज। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जब नवनीति बाबू यहाँ पर डायरेक्टर थे उस समय हमने राइटिंग में क्वेश्चन पूछा है RTI में, वो अभी मेरे पास है। यहाँ से कोई जब रिप्लाई नहीं मिला, पहले लेटर मैंने दिया तब मैंने RTI में पूछा, हाई कोर्ट ने हमको गलत रिप्लाई दिया। तब उसके बाद हम उसका सेकेंड अपील फाइल किए हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ अभी पड़ा हुआ है, मैटर टेकअप नहीं हुआ है। कहाँ कन्फ्यूजन है, सेक्शन 388 नोट कर लीजिए, सेक्शन 388 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। सेक्शन 388 में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को, इवन मुंसिफ को भी उसके अंदर ऑथराइज किया जा सकता है, बहुत से स्टेट में मुंसिफ को भी है, नोटिफिकेशन से सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट अलग चैप्टर है। अब सुन लीजिए, आई एम कम्प्लीटली आंसरिंग, पूरा आंसर आपको कर देते हैं, समझा देते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक अलग चैप्टर है और उसके लिए किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज किया जा सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए ओरिजिनल जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज को है बाई वर्चू ऑफ बीइंग इन ऑफिस, लेकिन मुंसिफ या सब जज को किसी को भी ऑथराइज करने के लिए बिहार सरकार को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा सेक्शन 388 में, और वो नोटिफिकेशन यहाँ हो चुका है 3-4 साल पहले। वो नोटिफिकेशन के पहले भी हो रहा था, उस समय मैंने रोक दिया था और कहा था और सर्कुलेट भी किया था कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट में रुक गया था और सब जो लोगों ने लौटाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमको याद पड़ता है संजय कुमार जो ऑनरेबल हाईकोर्ट जज रिटायर किए, वो जब LR थे, उन्हीं के सिग्नेचर से वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है और मैंने एकेडमी में भी दिया था और क्लास रूम में उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया था। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को मालूम है, पता नहीं नालंदा में कैसे नहीं मालूम है। आप नोट कर लीजिए, उनको पॉइंट आउट कीजिएगा, ऐसे हम आपको नोटिफिकेशन अभी देखते हैं, मेरे फाइल में होगा तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। देखिए 388 में लिखा हुआ है, दी स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजेट इन्वेस्ट एनी कोर्ट इन्फीरियर इन ग्रेड टू ए डिस्ट्रिक्ट जज, एनी कोर्ट इन्फीरियर टू दी ग्रेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो इन्फीरियर में मुंसिफ भी है, सब जज भी है, यानी कि जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन सिविल जज बोथ आर इन्फीरियर कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो किसी को भी दिया जा सकता है विथ पावर टू एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज अंडर दिस पार्ट। दिस पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जो सब जज जो है वो लोग भी गलती कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो फंक्शन करेंगे तो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। तो बहुत लोग समझते हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं लिख सकते, और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट भी नहीं, वो अलग चीज़ है। देखिए फिर गलती, यहीं पर गलती है, बार बार इसको बना रहे हैं। इसमें आपको बैठा दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कुर्सी पर, अगर आप मुंसिफ हैं और सब जज, आपको डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कुर्सी पर बैठा दिया गया, आप फील कीजिए कि हम डिस्ट्रिक्ट जज हैं, लेकिन लिख नहीं सकते कि हम डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ऐसे समझिए। हाँ आपको जैसे आप देखिए बहुत बेसिक चीज है, ध्यान दें, आप अगर सिविल जज है आपको मजिस्ट्रेट का भी पावर है, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है तो सिविल का पावर है और सेशंस का भी पावर है, आपको स्पेशल एक्ट में CBI का पावर मिल जाएगा, लैंड एक्विजिशन का पावर मिल जाएगा, बहुत सारे स्पेशल एक्ट है उसमें आपको पावर मिल जाएगा। तो वो डिजिग्नेटेड आप ऑफिसर तो वही हैं, आपका पावर अलग अलग है।
पावर ही चला गया।